है तो प्रतिदिन नया वीडियो देखने के लिए मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन नया वीडियो देखने के लिए। यह आप लोग देख सकते हैं, एक एक दोस्तों एक एक चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगा, इसको बनाना भी बहुत आसान है। वीडियो बीच में स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखेंगे आप लोग तभी पता चलेगा। वीडियो स्किप कर देंगे तो कैसे पता चलेगा कि इतना कम मसाला में इतना टेस्टी सब्ज़ी कैसे बना है। तो ये आप देख सकते हैं कि 100 ग्राम चना दाल है जिसको रात में हम भिगो दी थी, इसको अच्छे से 3-4 पानी से वॉश कर दी हूँ। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, इसको अच्छे से आगे का भाग निकाल दी हूँ। ये प्याज है, इसको भी अच्छे से छील के और धुल ली हूँ। 1 kg ये तरोई है दोस्तों, इसको अच्छे से छील के अब मैं धुल ली हूँ 2-3 पानी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, और इसका पानी मैं सुखा ली हूँ। अब इसको ऐसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। तरोई में पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये खुद पानी छोड़ता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैं कट कर रही हूँ, ऐसे ही करेंगे तो आपका सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत चटपटा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है, वो भी कम मसाला में हम बना के तैयार करते हैं। ऐसे बनाएंगे तो घर में बड़े से बूढ़े सबको पसंद आएगा, सब बहुत टेस्टी से खाएँगे क्योंकि बनता भी बहुत टेस्टी है। ये ऐसे ही हम कट करके थोड़ा सा टमाटर रखी हूँ, दिखा दूँ कि इसी पीसेज में कट करना है। प्याज को उसी पीसेज में कट की हूँ, और ये जो तरोई है उसको भी जैसे आप चाकू चलाते हैं उस तरीके से चॉप करना है तो चॉप कर लीजिए, अगर ऐसे कट करना है तो ऐसे आसानी से कट जाता है। लेकिन ध्यान रहे मोटा भाग कटे, क्योंकि ये एकदम तरोई एकदम ताज़ा है और ये क्या है होगा कि एकदम पक जाएगा बाद में। तो आप लोग देख सकते हैं कि कट के सुंदर सा तैयार हो गया है। ये 3 छोटा चम्मच सरसों तेल है, 1/2 चम्मच मेथी है, और हरा मिर्चा है 2 टुकड़ा किया हुआ। इसको अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम प्याज कटा हुआ डाल देंगे। इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट चलाएंगे। एक एक चीज़ फॉलो करें तो आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी दोस्तों। इस स्टेज पे हम 1/2 चम्मच हींग डालेंगे, हींग से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप हींग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हींग डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी स्टेज पे जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा प्याज तो हम इसमें दाल डाल देंगे चने का। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे दोस्तों, जबकि थोड़ा थोड़ा ये अलग कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है ऐसे ही। तो इसी स्टेज पर हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छे से कच्चापन हटने तक इसको 0.5 से 1 मिनट हम भून लेंगे दोस्तों। और उसके बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 0.5 चम्मच धनिया पाउडर, 0.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पहले टमाटर डाल लें कटा हुआ, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको अच्छे से हम चलाएंगे एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जब ढकेंगे तब एकदम लो फ्लेम कर देंगे, क्योंकि मसाला आप लो फ्लेम पे दोस्तों भूनेंगे तब जाके सब्ज़ी की टेस्ट भी आती है और सब्ज़ी जलती भी नहीं है और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तेज़ आंच पे सब्ज़ी बनाने से मसाला उतना अच्छा से नहीं पकता है। तो देखिए तेल ऊपर हो गया, तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे 1 चम्मच गर्म मसाला, जो कि मैं घर पर बनाती हूँ दोस्तों। ये बहुत टेस्टी बनता है, घर पर खड़ा मसाला बाहर से ख़रीद के लाइए और इसको हल्का सा कढ़ाई में गरम करके पीस डालिए। महीना दिन के लिए छुट्टी हो जाता है, एक तो ओरिजिनल होता है दोस्तों और दूसरा नंबर की ये मसाला बहुत टेस्टी होता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, आइए ऐसे ही थपथपा देंगे ताकि सब एक दूसरे में समा जाए अच्छे से। इस स्टेज पे हम डाल देंगे तरोई। तरोई डालने के बाद दोस्तों 2 से 3 मिनट इसको हम भूनेंगे ऐसे ही, जब तक ये हल्का हल्का पानी ना छोड़ने लगे ताकि नीचे से पकड़े ना। अभी हम इसको हाई फ्लेम कर दी हूँ दोस्तों, क्योंकि अब ये तरोई पानी छोड़ता है। तो 2 से 3 मिनट भुनने के बाद ये अपने आप पानी छोड़ने लगेगा, तो इसको हम ढक देंगे और ये पकने लगेगा। तो ये ढक दिया, ढकने 2 से 3 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं इतना पानी हो गया, 1/2 सब्ज़ी पक चुका है। तो इसको हम अच्छे से थपथपा देंगे दोस्तों, इसको फिर हम ढक देंगे और उसके बाद फिर ऐसे ही हम अच्छे से इसको सुखा लेंगे पानी को। जैसा आप ग्रेवी डाल, बहुत लोग ग्रेवी वाला खाना पसंद करते हैं तो ग्रेवी वाला आप लोग खाइए, लटपटा तो लटपटा, थोड़ा सूखा बनाना है तो सूखा बना लीजिए। किसी तरीके से बहुत टेस्टी बनेगा, आप जैसे ही बनाना पसंद करते हैं। फिर ढक देंगे, ढक के 2 से 3 मिनट इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे दोस्तों, ताकि अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए खूब बढ़िया पक के तैयार हो गया है। तो इसको ऐसे ही चला के यही मिल भी गया है अच्छे से, तो 2 से 3 मिनट और पकाएंगे तो ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं
थोड़ा सा पानी इसका और हम जलाएंगे तो इसको पहले अच्छे से चला देंगे ताकि नीचे का तल पकड़े नहीं, तो कहीं से कुछ पकड़ा नहीं है, कढ़ाई एकदम साफ़ सुथरा है। और ये आप देख सकते हैं इसको पानी थोड़ा सा और हम जला देंगे, 2 से 3 मिनट बाद हम इसको गैस का फ्लेम बंद कर देंगे दोस्तों, तो हो गया सब्ज़ी तैयार। तो ये देखिए ऐसा सुपर टेस्टी सब्ज़ी बनाएं, पूरा वीडियो देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छा से सब लोग तरोई चना की सब्ज़ी बना सके दोस्तों कम मसाला में। तो अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।